महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम भवनाई, उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्रनाथ पांडे जी, पश्चिम क्षेत्र के आदरणीय संचालक जी प्रोफेसर रघुवती प्रसाद शर्मा जी, मंच पर उपस्थित श्री बलदेव भाई शर्मा जी, और जिन्होंने अनेकानेक राष्ट्र निर्माण में सहायक ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन किया है, ऐसी संस्था प्रभात प्रकाशन के भाई प्रभात जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आज मेरे जैसे कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा दिन भी है और सौभाग्य का भी दिन है कि पांचों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिवंगत सरसंघचालकों का जीवन चरित्र उद्घाटन करने के कार्यक्रम में, लोकार्पण करने के कार्यक्रम में मैं भी इसमें एक हिस्सा हूं। काफी कुछ भगवती जी ने, योगी जी ने, आदरणीय रामभाव ने बताया है और यहां हॉल में बैठे हुए कुछ पत्रकारों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं होगा जिसको संघ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि निमंत्रण ही ज्यादातर संशोधकों को दिया है, तो सारे लोग सब कुछ जानते हैं। अब सारे लोग सब कुछ जानते हैं तो वक्ता की भूमिका बहुत सीमित हो जाती है। फिर भी मैं कुछ मेरे मन की बात जरूर कहना चाहता हूं। मित्रों, 1925 से लेकर 2017 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा अनेक उतार चढ़ाव, कठिनाई, संघर्ष, तीन तीन प्रतिबंध, इस सब का सामना करती करती यहां पर पहुंची। शायद ही किसी संगठन ने अपने जन्म के बाद अपने विस्तार में इतनी कठिनाइयों को झेला होगा जितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झेला है। कई बार लगता था कि ये प्रकाश देने वाली ज्योति शायद हमेशा के लिए बुझ तो नहीं जाएगी, ऐसे भी समय संघ के जीवन काल में आए, परंतु और प्रदीप्त होकर ज्योति फिर से एक बार लोगों के सामने आई और आज न केवल भारत, भारत के माध्यम से विश्व भर में स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए किस प्रकार से आत्मसम्मान की जागृति की जा सकती है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्थापित किया है। संघ अपने आप में एक अनूठा संगठन है। 1925 का कालखंड जब संघ की स्थापना हुई तो देश भर में सारे देशभक्त कार्यकर्ता ये सोचते थे कि देश को कैसे आजाद कराए, पुण्य डॉक्टर साहब सोचते थे कि देश गुलाम क्यों हुआ, और जब तक गुलाम करने वाले देश को गुलाम होने के लिए बाध्य करने वाले कारणों को निर्मूल नहीं कर सकते, देश की स्वतंत्रता को कभी हम अक्षुण नहीं रख सकते। वो डॉक्टर थे, रोग को मूल से निर्मूल करने का जो गुण था उसी के कारण आज संघ को ये कार्य पद्धति से उन्होंने बनाया। और जब संघ की स्थापना की तब भी कोई बड़े बड़े लक्ष्य नहीं रखे थे, कुछ बच्चों के साथ कबड्डी खेलते खेलते शाखा नाम की एक व्यवस्था अस्तित्व में आई और शाखा नाम की व्यवस्था से व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति निर्माण से समाज का निर्माण और समाज निर्माण से समाज गौरव और देश गौरव की दिशा में आगे बढ़ना, ये कब हुआ शायद किसी को मालूम नहीं,
कोई ढूंढने जाएगा तो भी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मेरे जीवन में सौभाग्य मिला नहीं, डॉक्टर साहब के साथ मेरा कोई संपर्क आया नहीं जीवन में, जो कुछ सुना है पढ़ा है उसी के आधार पर उनके जीवन का और कार्य पद्धति का आकलन हो सकता है, व्यक्ति है ना। मगर उसमें भी सुनने वाले और लिखने वाले की कोई बहुत सारी चीजें बीच में आती है। मगर मैं स्पष्ट कल्पना करता हूं कोई लंबे आयोजन के बगैर शुद्ध आशय के साथ ईश्वर पर श्रद्धा रखकर एक अच्छे कार्य की शुरुआत करी होगी जो अपने आप एक शेप लेता गया, आकार लेता गया और आज एक प्रतिरूप बनता गया। क्योंकि जब संघ पर प्रतिबंध लगा और प्रतिबंध उठाने के लिए कानूनी पचड़े बीच में आने लगे, तब किसी ने कहा कि भाई संघ का संविधान क्या है लाओ, तब मालूम पड़ा कि संघ का तो कोई संविधान ही नहीं है। इतने सालों तक जो संस्था चली उसका संविधान जब मांगा जाता है कोर्ट के माध्यम से, तब मालूम पड़ता है कि हमारा तो कोई संविधान है ही नहीं, संस्था कैसे चलानी, इसके नियम ही तय नहीं करे, वैसे ही अपने आप परस्पर भरोसे के आधार पर, परस्पर विश्वास के आधार पर, त्याग और समर्पण के आधार पर ये संस्था चल रही है। कोई मान नहीं सकता एक लंबे समय तक इतनी बड़ी संस्था संविधान की व्यवस्था के बगैर चले और एक भी विवाद नहीं हुआ, एक भी झगड़ा नहीं हुआ। किस प्रकार के व्यक्तियों को उन्होंने किस प्रकार की प्रेरणा दी होगी, किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया। और कोई बड़े बड़े स्कूल, कोई बड़े बड़े कॉलेज, कोई बड़े बड़े थीसिस, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ बच्चे शारीरिक करने के लिए शाखा में इकट्ठा होते थे, शाखा समाप्त होने के बाद उनका बौद्धिक होता था, साल में दो बार वर्ग होते थे, वर्ग के अंदर उनको कुछ चीजें कुछ बातों का ज्ञान मिला। इतनी सरल प्रक्रिया में से इतना बड़ा संगठन बना, मगर वो संगठन ने स्व का बोध भी बहुत लोगों को कराया, राष्ट्र का गौरव भी कराया, संस्कृति परंपरा भाषा इस सब का गौरव पुनः जागरूक पुनः जीवित करने का एक विषम और कठिन काम हंसते खेलते कर। वो जमाना जब ये कहना कि मैं हिंदू हूं बहुत हिम्मत चाहिए, तब उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू होने में कोई शर्म नहीं है, मैं गौरव करता हूं। और मुझे लगता है कि ये स्पष्टता जो थी कि जो सच है वो कहना चाहिए, इसी ने इतनी बड़ी ताकत दे दी। और जब संघ राष्ट्रीय संघ का काम आगे बढ़ने लगा, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसने फैसले करे होंगे इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, मालूम भी नहीं है, मगर कभी व्यक्तियों का महत्व संघ में नहीं रहा। आप इस सभागार के बाहर चले जाइए और किसी को पूछिए 10 नागरिकों को गाड़ी रोक कर के पूछिए डॉक्टर साहब कौन थे, बस में से शायद 9 को मालूम नहीं होगा कि वो क्या थे, क्योंकि कभी वो अपने लिए जिए ही नहीं, संघ के लिए ही जिए। व्यक्ति का स्व को संपूर्ण रूप से विलोप कर संस्था में किस तरह से जिया जाता है उसका उदाहरण डॉक्टर साहब ने हम सब के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने रखा। और वही परंपरा आगे बढ़ी। जब सवाल आया कि गुरु पूजन किसका करे, हर संस्था में संस्थापकों का होता है क्योंकि प्रेरणा स्रोत होते हैं, उनके विचारों के आधार पर संस्थाएं चलती है। जब सवाल आया कि गुरु पूजन किसका करे, तब निर्णय ले लिया परंपरा का करे, भगवा ध्वज का गुरु मानकर भगवा ध्वज का गुरु पूजन। जो संकुचित दृष्टि से देखते हैं उनको भगवा ध्वज एक धर्म संप्रदाय पंथ के साथ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, मगर हमारे यहां त्याग बलिदान संस्कृति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक वर्षों से रहा है। तो उसी को गुरु मानकर चलना व्यक्ति का कभी पूरी व्यवस्था में आज तक महत्व नहीं रहा। और इतनी कठिनाइयों पार करते करते 1925 से लेके 2017 तक अनेक कठिनाइयां आई, अनेक संकट आए, प्रतिबंध आए,
मगर आप देखिए रास्ता वो का वो रहा, वही रास्ते पे आगे बढ़ते गए और आज एक विशाल वट हमारे सामने है। भगवती जी ने कहा इस प्रकार से समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों के अंदर, संघ में से निकले हुए स्वयं से का समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे, अच्छी प्रतिष्ठा से देश की सेवा कर रहे और पूरे के पूरे संगठनों को आगे बढ़ाकर राष्ट्र की सेवा में राष्ट्र के निर्माण के साथ उन्होंने जोड़ दिया है। और मित्रों बहुत सारी उज्जवल परंपराओं को संघ ने स्थापित किया है। इस हॉल के बाहर जाकर किसी भी समाज शास्त्र के विद्वान को पूछे कि कोई संस्था ऐसी है जिसने आज तक चंदा ही नहीं उगाया है तो वो आपको मूर्ख कहेगा। इतने सालों तक संघ चला, संघ के कार्यकर्ताओं के समर्पण से ही चला, गुरु दक्षिणा से ही चला, संघ ने कभी चंदा नहीं इकट्ठा किया। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझसे जो बन पड़ता है, मेरा जीवन निर्वाह के बाद जो बचता है उसमें से मैं संघ चलाने के लिए निकलूंगा। कम आए तो कम, ज्यादा आए तो ज्यादा, संघ काम का काम इसी के आधार पर चला और इतने सालों तक चला, इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए चला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे बीच में कुछ बच्चे मिलने आए थे, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना से लेकर अब तक कोई रिसर्च कर रहे थे, तो उनका तो जो क्यूरियोसिटी थी उसकी बात हुई तो हुई, मगर मैंने बात बात में कहा कि एक संगठन ऐसा भी है जो कभी चंदा ही नहीं लेता। अब ये छह संस्थाओं का स्टडी कर आए तो उन्होंने कहा ऐसी संस्था चल कैसे सकती है। जब मैंने एक गुरु दक्षिणा का विषय उनके सामने रखा, आश्चर्यचकित थे, अभिभूत थे, कितना बड़ा संगठन इस तरह से चलता है। और व्यक्ति निर्माण की परंपरा भी कितनी उज्जवल बनाई, ढेर सारे संघ की स्थापना से लेकर आज तक हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका नाम छोड़ो, यश छोड़ो, जिनके वंश नहीं रहे, उनके बैंक अकाउंट नहीं रहे, उनका घर नहीं है, परिवार नहीं है, जो कुछ है सब समाज। ये परंपरा खड़ी करने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति अपना कुछ नहीं रखता है, समाज के भरोसे जीता है, जीवन कैसे निकलेगा, समाज पर भरोसा है, मेरा समाज मुझे जी रहा है, मेरा जीवन का निर्वाह, क्यों? क्योंकि उसको समाज के लिए ही जीना है। अगर किसी व्यक्ति के साथ वो जुड़ा, किसी संस्था के साथ जुड़ा, तो वो उस पर हावी हो जाएगी, समाज का हित नीचे आ जाएगा, देश का हित नीचे आ जाएगा, देह का हित नीचे आ जाएगा। अनेक अनेक प्रचारकों की श्रृंखला, कितने दैदीप्यमान लोग जो शायद अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ अपना कारोबार करे होते तो ऊंचाइयों को छू, साहित्य में ऊंचाइयों को छू लेते, संगीत में ऊंचाइयों को छू लेते, चित्रकला में ऊंचाइयों को छू लेते, राजनीतिक जीवन में ऊंचाइयों को छू लेते, उद्योग में जाते तो वहां पर भी बहुत बड़ा काम करते। ऐसे लोग अपने आप को पिघलाकर शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण मां भारती की सेवा में देकर निकले और आज उन्होंने ही ये संस्था को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से दैनंदिन शाखा एक इस प्रकार की व्यवस्था हुई जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि होता क्या है। मुझे कई बार लोग पूछते, कई जर्नलिस्ट पूछते, हर रोज एक घंटा इकट्ठा होकर करते क्या, हमको जाओ तो मालूम पड़ जाएगा कि डर लगता है शायद कभी वापस ना आ पाओ। मैंने बोला भैया जब वापस न आने जैसा है तो वापस क्यों आना है, तुम चले तो जाओ एक बार। मित्रों बहुत समय से समाज के प्रबोधन के लिए गीतों की व्यवस्था लुप्त हो गई थी। मैंने स्वयं से पेन आते कई बैठकों में, कई वर्गों में, कई कार्यक्रमों में ऐसे गीत सुने हैं कि कार्यक्रम के बाद होने वाले सभी भाषणों से ज्यादा गर्भ सारी, मतलब जिसको कह सकते हैं आपके उपदेश देने वाला, वो एक गीत होता है। इस प्रकार की व्यवस्था संघ ने करी और बहुत सारे युवाओं को एक एक गीत में काम करने के लिए प्रेरणा दी है, चाहे वो धरती परिषद हो, चाहे संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बहुत सारे युवाओं को कोई ना कोई गीत में प्रेरणा दी है अपने जीवन में कुछ करने के लिए।
और विवेकानंद जी की जो कल्पना थी, मजबूत शरीर के बगैर मजबूत मन नहीं हो सकता, मजबूत मन के बगैर मजबूत आत्मा नहीं हो सकती, और मजबूत शरीर मन और आत्मा के बगैर आप राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते हो। शाखा नाम की व्यवस्था से इस त्रिनोद का सामंजस्य कर अंतिम लक्ष्य राष्ट्र की सेवा करना, उस दिशा में ले जाना, ये बहुत बड़ा प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा। और ये पावर हाउस में से बहुत सारे लोग निकले, मैं नाम देना नहीं चाहता, नहीं तो मीडिया वालों को बहुत बड़ा मसाला मिल जाएगा। वो भी जानते हैं मित्रों, बहुत सारे लोग अनेक क्षेत्र में जिन्होंने इस देश के सार्वजनिक जीवन को दिशा दी, जिन्होंने इस देश के सार्वजनिक जीवन को निर्णायक मोड़ दिया, जिन्होंने इस देश के सार्वजनिक जीवन को यश दिलाया और देश को आगे बढ़ाने में अपनी एक बड़ी भूमिका की, इस बहुत सारे कार्यकर्ता एक पावर हाउस में से निकले। मित्रों, डॉक्टर साहब, उनके गुरु जी, उनके बाला साहब जी, उनके रज्जू भैया और उनके सुदर्शन जी, पांचों के जीवन चरित्र पर ये अभी जो उनके जीवन चरित्र लोकार्पण हुई है, पांचों पूजनीय सरसंघ चालकों में से मुझे तीन को ही देखने का सौभाग्य मिला है। उनके महाराज साहब जी के साथ तो मेरा दौरा भी हुआ प्रबंधक के नाते, रज्जू भैया के साथ भी काफी समय चर्चा का मौका मिला, सुदर्शन जी के साथ भी। ये पांचों का काम का अगर विश्लेषण करेंगे तो वो पांचों ने संघ की कार्य पद्धति को उस तरह से मोल्ड किया जो उस समय के अनुरूप थी। एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से बदलकर संघ आज करते 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 अनेक सहयोगी संगठनों के साथ एक पटवृक्ष बनकर डॉक्टर साहब गुरुजी जैसा अद्भुत व्यक्तित्व। एक और डॉक्टर साहब ने अपनी संगठन कुशलता से एक काम की नींव ही ऐसी रखी जिसमें कभी भी गिरावट नहीं आ सकती। ये राम रतन धन पायो जैसा है, जिसको चोर भी लूट नहीं सकता और कोई उसको कम भी नहीं कर सकता। नींव ही ऐसी रखी कि जिसमें वृद्धि ही सत्य है और कुछ संभव नहीं है। पूज्य गुरु जी का एक उच्च कक्षा का आध्यात्मिक व्यक्तित्व था। मैं गुजरात के कई संतों को मिला हूं जिसने गुरु जी का मेल मिलाप हुआ। वो संतों ने ऐसा कहा था कि हम जब पूज्य गुरु जी को मिलते थे हम अपने आप को बौना महसूस करते थे, हमारी दुनिया का आदमी आप लोगों के लिए आपके बीच में आ गया। मैंने तीन महामंडलेश्वरों के मुंह से सुना है, अलग अलग भाषा में, अभिव्यक्ति का भाषा अलग होता है मगर उसका मतलब निकाल दीजिए तो यही निकाल, इतना प्रचंड आध्यात्मिक व्यक्ति था। मगर जब उनको कहा गया कि हिमालय की गिरी कंदराओं में आपका स्थान नहीं है, आपका स्थान समाज के बीच में और एक काम को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने एक काम को जीवन पर्यंत बढ़ाया, परंपराओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। बाला साहब जी ने बड़े कठिन दौर के अंदर संघ का नेतृत्व किया और संघ का आज का जो स्वरूप है, अगर हम ऐसा कहे तो गलती नहीं होगी कि बाला साहब जी के कारण ही हम आज संघ का ये स्वरूप देख सकते, विशेषकर अन्य क्षेत्रों का विकास और सेवा को बाला साहब जी ने संघ के साथ जोड़ने की शुरुआत की, और एक संघ का अलग प्रकार का स्वरूप दुनिया के सामने आया। रज्जू भैया जैसी स्वीट पर्सनालिटी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। जो युवा उनके पास गया वो प्रभावित हुए वगैरह बाहर नहीं आ सकता था। इतनी सरलता और इतनी स्वीट पर्सनालिटी ये ईश्वर कृपा ही हो सकती है, इस प्रकार का व्यक्तित्व पुण्य रज्जू भैया का रहा। और सुदर्शन जी एकमात्र संचालक जी ऐसे थे जो बौद्धिक प्रमुख भी रहे और शारीरिक प्रमुख भी रहे। जो स्वयंसेवक है उनको मालूम है कि बौद्धिक प्रमुख और शारीरिक प्रमुख दोनों रहना बहुत कठिन होता है, मगर सुदर्शन जी ने भी संघ के काम को आगे बढ़ाया और पुण्य मोहन जी बढ़ा रहे हैं। मित्रों, ये पांचों दिवंगत सरसंघचालक जीवों का जो जीवन चरित्र आज प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, एक तरह से संघ के
स्थापना से लेके आज तक अगर संघ को जानना है तो ये 5 पुस्तक पढ़ लो तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ। और मैं हृदय से प्रभात जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि मैंने ये काम किया है, क्योंकि संघ में तो प्रथा ही नहीं है अपने बारे में लिखने की। अगर ये न लिखते तो कोई न लिखता शायद। तो इन्होंने अच्छा ही कर दिया है कि दुनिया के सामने इतने बड़े काम करने वाले लोगों का जीवन चरित्र आएगा, अनेक लोग इसमें से प्रेरणा ले सकते हैं। स्वयंसेवक छोड़ दीजिए, जो स्वयंसेवक नहीं है वो लोग भी जब इसको पढ़ेंगे तो उनको जीवन का रास्ता एक अच्छे दिशा में चला जाएगा। इसलिए मैं प्रभात जी को 2 कारणों से हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने पुस्तकों का प्रकाशन किया और दूसरा मुझे यहाँ बुला लिया। ये दोनों चीजों के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा आप सबसे आग्रह है, विशेषकर घर में बच्चों को ये पुस्तक जरूर पढ़वाइएगा। मैं मानता हूँ कि मेरे सामने जो इस सभागार में लोग बैठे उनकी आयु का मैं एवरेज बहुत जल्दी से निकाल देता हूँ, तो शायद मुझे लगता है नई पीढ़ी को देने से ज्यादा फायदा होगा। तो जन्मदिन के दिन, कोई अच्छे दिन के दिन ये पुस्तक बच्चों को जरूर दीजिए और आग्रह से उनको पढ़ने की बात करिए। हो सकता है शुरुआत में थोड़े नीरस लगे, मगर जब इसके तत्व को पकड़ेंगे, इसके सत्व को पकड़ेंगे और इसके मूल तत्व को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में शुभ दिशा आएगी। इतनी बात कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ।